देश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में वृहद हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछ रहा है तथा भारत की पहली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर टिकी हुई है सबकी निगाहें। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे गुजरात व महाराष्ट्र में क्या है बुलेट ट्रेन परियोजना के ट्रैक निर्माण की वर्तमान परिस्थिति तथा आपको बताएंगे कि कितना हुआ इस परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण व कब से मिलेगा आपको इस बुलेट ट्रेन में यात्रा करने का अवसर। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के मध्य में चलेगी और मुंबई से अहमदाबाद के मध्य 508 किलोमीटर की दूरी में कुल 12 स्टेशन होंगे जिनके की नाम आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। परियोजना की संक्षिप्त जानकारी हेतु बता दें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर लंबा है तथा इसका अधिकतर भाग गुजरात में पड़ता है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर अहमदाबाद से मुंबई के मध्य बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी। ऐसे में दोनों नगरों के मध्य की दूरी मात्र 3 घंटे में ही पूरी की जा सकेगी। आपको हम अब वह जानकारी दे दें जिसकी प्रतीक्षा आप वास्तव में कर रहे हैं, अर्थात कितना हुआ इस परियोजना में निर्माण कार्य अब तक पूर्ण। तो आपको हम बता दें कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात NHSRCL के अनुसार अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना पर जनवरी 2023 के अंत में 30% लक्ष्य के सापेक्ष में 25% की प्रगति हुई है, जिसकी कुल लागत 36,722.60 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्य की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि NHSRCL द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 तक 30.06% के लक्ष्य के सापेक्ष में समग्र भौतिक प्रगति 25.63% है, जो 4.43% से कम है। बता दें कि हमारे अनुमान में 4% से अधिक की कमी के लक्ष्य के साथ गुजरात में 300 किलोमीटर से अधिक लंबे मार्ग को चालू करने के लिए अगस्त 2027 के लक्ष्य को पूरा करना कठिन होगा। वहीं दूसरी ओर, चूंकि परियोजना महाराष्ट्र में निर्धारित समय से और भी काफी पीछे है, इसलिए रेलवे 2027 तक गुजरात के हिस्से को चालू करने की संभावनाओं की खोज कर रहा है। अब तक निर्माण पर हुए व्यय की जानकारी देने हेतु बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस परियोजना पर 11,353.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें की समग्र भौतिक प्रगति 25.63% है। NHSRCL के अनुसार लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने के कई कारण हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र में निविदा प्रक्रिया में देरी के अतिरिक्त कोविड महामारी के समय अवधि में बंदरगाह पर भीड़ भाड़ के कारण प्रमुख उपकरणों को जुटाने में देरी इत्यादि। भूमि अधिग्रहण की यदि बात करें तो आपको बता दें कि समग्र रूप से इस बुलेट ट्रेन परियोजना में भूमि अधिग्रहण अब तक गुजरात में भूमि अधिग्रहण 98.91%, महाराष्ट्र में 98.79% और दादर नागर हवेली में 100% है। लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अर्थात भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए की है और पूरा होने तक इसके 2,00,000 करोड़ रुपए तक के पहुंचने की संभावना है, जिसमें 80% जापानी फंडिंग एक आसान ऋण के रूप में है। यहाँ पर इस परियोजना में अच्छी सूचना यह है कि सरकार ने अगस्त 2026 तक गुजरात में सूरत बिलीमोरा सेक्शन पर ट्रायल रन आरंभ करने का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य 2027 तक अहमदाबाद और मुंबई के मध्य में पूरी तरह से परिचालन करना है। सूत्रों के अनुसार नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ परियोजना में सम्मिलित निर्माण कंपनियां परियोजना की समय सीमा को कम करने के लिए कार्य कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस परियोजना पर कड़ी दृष्टि रख रहे हैं और इसकी प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जापानी पक्ष भी नियमित रूप से परियोजना के विकास की जांच कर रहा है।
अब हम आपको इस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु बता दें कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 4 बुलेट ट्रेन स्टेशनों ठाणे, विरार, बोईसर और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के प्रस्तावित स्वरूप की तस्वीरें जारी की गई हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स भारत का पहला अंडर सी स्टेशन अर्थात समुन्दर के भीतर में होगा और NHSR स्टेशन एकमात्र भूमिगत स्टेशन होगा जिस पर के बीते दिनों कार्य आरंभ भी कर दिया गया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस स्टेशन को भू स्तर से लगभग 24 मीटर की गहराई पर बनाने की योजना है। इसके 3 स्तर होंगे, एक प्लेटफॉर्म, दूसरा कॉन्कोर्स और तीसरा सर्विस फ्लोर, जिस पर विक्रोली में निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें 2 एंट्री और एग्जिट प्वाइंट होंगे। इसमें प्वाइंट 2B पर पास के मेट्रो स्टेशन और दूसरा MTNL भवन की ओर होगा। कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म स्तरों पर यात्री की आवाजाही और सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान को एडजस्ट करने के लिए स्टेशन का डिजाइन तैयार किया गया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 5 एकड़ भूखंड भी NHSRCL को मिल गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस भूमिगत स्टेशन के निर्माण के लिए मेधा इंजीनियरिंग और HCC को 3,681 करोड़ रुपए की निविदा स्वीकृत की है। अधिकारियों के अनुसार खम्भों और ऊपरी ढांचों से जुड़ा कार्य शीघ्र ही गुजरात के ही प्रकार से महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा। गुजरात में आनंद, सूरत, वडोदरा, भरूच, बिलीमोरा, वापी और नवसारी जिलों में बुलेट ट्रेन स्टेशनों का निर्माण भी आरम्भ हो गया है। बुलेट ट्रेन के काम में तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 25,000 कार्यबल दिन रात कार्य में जुटे हुए हैं, जिनकी सहायता से मार्ग में पड़ने वाली नर्मदा, ताप्ती, माही एवं साबरमती जैसी बड़ी नदियों पर पुल तेजी से बनाया जा रहा है। देश में पहली बार फुल स्पैन लॉन्चिंग तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। प्रति गार्डर का भार 970 मेट्रिक टन है। इसे बिना किसी जोड़ के साथ एक ही टुकड़े में ढाला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार आने के पश्चात बुलेट ट्रेन के मार्ग में आने वाली सभी अवरोधों को क्लियर किया गया है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुँचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गाँव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।